अपनी यात्रा के बारे में सर, हमको बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ, ट्रस्ट की भी और पब्लिक की भी। हमें कोई कहीं से भी गलत व्यवहार देखने को नहीं मिला, और मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को जो आ सके सक्षम हो आना चाहिए। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत ही अच्छे हैं, तहजीब से सारे कार्य यहाँ होते हैं। एक सीरियल जो साइन बोर्ड बना है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और इसमें जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं इनकी पूरी देख रेख करता है। हम कहना चाहेंगे कि कश्मीर के लोग इसको समझें और पत्थरबाजी ना करें। इससे यात्रा में कमी तो आती है, लेकिन हम लोगों का इतना जोश रहता है कि हम लोग पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। ऐसा है कि अमरनाथ यात्री जो देश भर से यहाँ पर आते हैं, उनके प्रबंध की जानकारी लेने के लिए मैं आज इस वैष्णो धाम में आया था। कुल मिलाकर के संतुष्टि है कि सभी अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये आने वाले जो यात्री हैं, हमारे मेहमान हैं, इनका ठीक प्रकार से प्रबंध हो पाए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जम्मू कश्मीर सरकार भी जो बाहर से यात्री आते हैं, चाहे वैष्णो देवी के लिए आएँ या अमरनाथ यात्रा के लिए आएँ, उनके प्रबंधन में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। समय समय पर जानकारी लेने से, यात्रियों से बातचीत करने से, जो भी उनको कहीं रास्ते में भी मुश्किलें आती हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है और उसको हम ठीक कर पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। यात्रा में पिछले वर्ष से ज़्यादा यात्रा यहाँ पर आई है, कमी नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारा मीडिया है उसमें भी कई बार इस प्रकार की जो चीज़ें जो लाई जाती हैं, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को कुछ डर पैदा होता है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव मैसेज लेकर के उसको अपने चैनल पर दिखाना चाहिए, उससे निश्चय ही देश भर से जो यात्री आते हैं उनको आने का फ़ायदा मिलेगा। Thank you.